और लखनऊ से खबर मिल रही है, बता दें कि जहां कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है और ब्लैक फंगस जो है वो घातक सिद्ध हो रहा है। अभी तक राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 700 मरीज सामने आए हैं ब्लैक फंगस के, 90 मरीजों की मौत हो गई है। अकेले KGMU में 500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, अस्पतालों में 350 की सर्जरी ब्लैक फंगस को लेकर हो चुकी है और कृत्रिम अंग भी बता दें 70 मरीजों को लगा दिए गए हैं। तो ब्लैक फंगस का असर यहां पर देखने को मिल रहा है, कई मरीज कोविड के बाद यहां पर सामने आ रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी को संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पहले तो कोविड से हमने देखा कि क्या स्थिति, अब ब्लैक फंगस भी यहाँ पर फैलता जा रहा है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। नेहा जी, मैं वही कहना चाहूंगा कि हालांकि योगी सरकार जो है कोविड को लेकर काफी गंभीर है और जरा सी भी लापरवाही क्षम नहीं है। जिस तरह से योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री ने सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्वास्थ्य के, उनको एक प्रस्ताव बना के भी भेजा है कि जो भी संभव हो मदद की जाए। हालांकि यहाँ पर PGI कह लें या KGMU कह लें या जो भी यहाँ चिकित्सीय संस्थान है वहाँ पर हर स्तर से तैयारी को पुरजोर तरीके से मजबूत रखा गया है ताकि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो पाए, क्योंकि मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। इसलिए सरकार भी अपने स्तर से हर मजबूत प्रयास कर रही है। जो PGI संस्थान है यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को लेके काफी हद तक हम लोगों ने मजबूती से तैयारी कर रखी है, इसको बढ़ने नहीं देना है। इसमें आम जनमानस से भी सहयोग की अपील की है, लेकिन जो मरीज हैं, मरीज की संख्याओं में इजाफा हो रहा है, इसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अलर्ट हो गया। अस्पतालों में भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी यहां पर ना हो सके।